हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मलकीत प्लम्बर में। तो मैं मलकीत प्लम्बर आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो दोस्तों, जिस मेरे भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया, वो सब्सक्राइबर कर लो और साथ में साथ लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो और साथ के साथ घंटी का भी दिखा दो, जो कि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं, जो टॉपिक है उसको लेके। तो दोस्तों ये देखो, ये एक चैम्बर ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो उसको खोद रहे हैं। तो ये ईंटों के साथ पूरा का पूरा ही बंद मिला है। तो दोस्तों ये मकान मालक 3-4 महीने से रह रहा है इस मकान के अंदर, तो ये पूरा ईंटों से भरा हुआ था, इसको ईंट खोद खोद के निकाली हैं सारी बाहर। तो ये देखो, ये चैम्बर पूरा ब्लॉक निकला है ईंटों से। जब ये बनाया गया था तो ईंट बीच में कच्ची रखी थी और वो निकाली नहीं। ये अब ये नहीं पता कि प्लम्बर की गलती है कि चुनाई वाले मिस्त्री की गलती है, ये दोनों में से एक की गलती है। तो दोस्तों गलती बहुत बड़ी थी, क्योंकि 3-4 महीने से पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है नीचे। तो अभी ये देख रहे हैं, इसको खोद रहे हैं, तो पाइप नीचे मिल चुकी है। पाइप के आगे ईंट रखी हुई है, जैसे कच्चा चैम्बर करते हैं ईंट रख देते हैं तो बाद में निकाल देते हैं, वो नहीं किया हुआ। और इसके अंदर एक गलती और भी है कि ये रेन वाटर की पाइप भी बाहर जा रही है। तो दोस्तों ये गलती तो बहुत बड़ी है। ये क्या गलती है कि पाइप ऊपर नीचे डाली हुई है। इसका मेन मकसद यही था वीडियो बनाने का, एक पाइप ऊपर से जा रही है और एक पाइप नीचे से। ऊपर से भी 4 इंची की पाइप जा रही है, नीचे से भी 4 इंची की। नीचे टॉयलेट वाली पाइप है, ऊपर रेन वाटर वाली पाइप है जो बाहर निकाली हुई है। तो ये आगे ईंट लगा के इसको बंद कर दिया था। ये सीवरेज मैन लगे हुए थे सफाई करते हुए, और मेरे को बुलाया गया था यहाँ। तो मैंने आके देखा कि यहाँ पे निशान लगे हुए थे, फिर ये चैम्बर को खुलवाया तो चैम्बर की हालत ये निकली नीचे। और ये भाई लोग भी परेशान थे। तो अभी ये चैम्बर खुल चुका है, तो इसकी पाइप भी मिल चुकी है, एक पाइप दूसरी साइड के इधर को जा रही है। तो ये चैम्बर बनाना था तो बनाया तो है, पर लेकिन नीचे भी कच्चा है। नीचे सब्बल मार के भी देखिए, नीचे पानी जा रहा है या चैम्बर खुर चुका है। तो ये देखो अभी उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है पानी की, क्योंकि पूरा इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है पाइप के अंदर। ये 2-2.5 महीने से पानी पानी उधर खड़ा है। पीछे टॉयलेट बहुत सारी उनकी ब्लॉकेज है, ये धीरे धीरे निकलेगी। फिर इसको पानी से वॉश कराएँगे, इनका चैम्बर क्लियर कराएँगे। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, चलो जो भी है, लेकिन इसमें ये समझ, इससे सीख ये मिलती है कि जब भी आप चैम्बर को कच्चा करो तो ईंट साथ के साथ निकाल दो। और देखो ऊपर से टाइल वाले ने भी टाइल लगा दी, वैसे चैम्बर देखा नहीं नीचे खुला हुआ है, टाइल भी वो चेप के अपने आप चला गया। और नीचे जो ईंट है वो भी, इसमें क्या हो गया कि इसमें तीनों की गलती बनती है थोड़ी थोड़ी। प्लम्बर की भी बनती है, चुनाई वाले की भी बनती है, और टाइल जिसने लगाई है वो भी। टाइल के ऊपर निशान तो लगा दिए चारों साइड पे कि यहाँ चैम्बर है, पर बुद्धू ने ये नहीं देखा कि चैम्बर के नीचे ईंट है, वो निकलवा दूँ मैं। तो इस तरह से कल को बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, मकान मालक का सारी कोठी बैठ सकती थी। तो ये दोस्तों ये पूरा हफ्ता ही मारा ऐसे निकल चला है। फॉल्ट ढूंढ चाहिए पूरा, मैं काफ़ी सारे फॉल्ट ढूँढ चुका हूँ। तो ये भी उसी विला के अंदर एक कोठी है, तो ये काफ़ी दिन से इसमें मकान मालक रह रहे थे। तो ये अभी देखो ये वाला फॉल्ट निकला है। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कल को क्या हो गया कि कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलो ये तो अभी मिल गया है। तो अभी ये देखो पानी बहुत स्पीड से इसको पाइप को फोड़ रहे हैं, पाइप के आगे ईंट लगी हुई है, तो पाइप को फोड़ के अभी ये पानी चल रहा है बहुत स्पीड से। दोस्तों जिस मेरे भाई ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइबर किया, वो सब्सक्राइबर कर दो और साथ के साथ लाइक भी कर दो और शेयर भी करो। और कोई नीचे कमेंट है तो वो भी बताओ। तो ये देखो ये कार है, ये इनकी कोठी बनी हुई है, अभी मकान मालक इसके अंदर फुल बड़ा फुल रह रहे हैं। तो ये देखो पानी की स्पीड और बढ़ चुकी है, पानी निकल रहा है, पानी काफ़ी पीछे खड़ा है। तो जैसे जैसे ये लाइन क्लियर होगी वैसे वैसे पानी निकल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, तो क्योंकि ये फॉल्ट था तो ये भी दिखाना एक प्लम्बिंग लाइन के अंदर बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसीलिए इसका वीडियो शूट किया है। तो ये देखो अभी पानी पूरा निकल चुका है,
मैंने काट काट के वीडियो बनाया, काफ़ी लंबा हो जाता, बीच में गंदगी भी नहीं दिखाई आप लोगों को। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।